हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और ये जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड है। जब से मैंने ब्लैंकेट वॉशिंग की बात की थी लगभग 20-25 दिन पहले, या शायद 1 मंथ हो गया होगा, जब मैंने घर पे ट्राई किया ब्लैंकेट वॉश करने का और वो परफेक्टली क्लीन हो गया, तब से ही मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो शेयर कीजिए। लेकिन बीच में आपको पता ही है, पूरा मार्च बारिश होना ऑन एंड ऑफ ही चलता रहा, वेदर ज़्यादा गर्म ही नहीं हुआ और ब्लैंकेट मैंने रखा ही नहीं, इस वजह से मैंने उसको वॉश भी नहीं किया। और रेनी सीज़न लगा हुआ था तो इस वजह से उसको वॉश करना भी थोड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि अगर आप उसको वॉश कर दो और एक दो दिन में वो ना सूखे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ख़राब हो जाते हैं कपड़े, तो इसीलिए मैं उसको वॉश नहीं कर रही थी। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा सुधरा मैंने ब्लैंकेट वॉश किया और उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। ये जस्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था देखने के लिए। मैंने कुछ सालों पहले भी ऐसा किया था, लेकिन उस टाइम मेरा ब्लैंकेट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, वो 5.6 लीटर की थी। बट इस बार जो मेरा वॉशिंग मशीन है वो 7.8 लीटर का है। तो ये बात एक ध्यान रखने वाली है कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी कम है तो डबल बेड का जो ब्लैंकेट होता है वो शायद उसमें धुल ना पाए। तो यहाँ पे मैं एक दो बातें क्लियर कर दूँ कि ये जो ब्लैंकेट वॉशिंग है ये सेमी ऑटोमेटिक में ही हो सकती है, फुल्ली ऑटोमेटिक में बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ब्लैंकेट को यहाँ पे हाफ हाफ करके वॉश करने वाले हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको पूरी चीज़ें अंदर डाल के बंद करना पड़ता है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसकी कैपेसिटी 7.8 लीटर या उससे ऊपर इस टाइप में हो, तभी डबल बेड का जो ब्लैंकेट है वो वॉश हो पाएगा। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि आप अच्छी तरीके से देख समझ कर, क्योंकि आपका ब्लैंकेट है, आपकी वॉशिंग मशीन है, तो उसको देख समझ कर ही ये स्टेप करें, क्योंकि वॉशिंग मशीन ख़राब मत कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बनाने भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए सोच समझ के कि आपका जो मशीन का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपका ब्लैंकेट है या नहीं। मेरा ब्लैंकेट डबल बेड का है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, आई थिंक 7x7 का है वो, या 8x7 का, काफ़ी लंबा चौड़ा है और वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा थिन साइड में ही है, तो वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। बाकी जो बड़े बड़े मोटे मोटे रजाई टाइप के ब्लैंकेट आते हैं, मुझे नहीं पता वो वॉश होंगे नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सोच समझ के, आपको मैं अपना कैसे वॉश करती हूँ और अपना मेरा ब्लैंकेट कैसा है वो मैं दिखाऊंगी, उसी के हिसाब से आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको वॉशिंग मशीन में उसको वॉश करना है नहीं, या फिर ड्राई क्लीन करवाना है। तो चलिए मैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मशीन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वहाँ तक पानी को फिल कर लेना है, और उसके बाद कोई भी जो हम लोग वूलेंस साफ़ करने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे जेंटल यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है वूलेंस के लिए भी, और आपके जो हल्के कपड़े होते हैं ना, जो थोड़े महंगे कपड़े होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और मैं तो इसको अपने सारे रेगुलर कपड़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जो इजी आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ़ वॉश आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको इसके अंदर ऐड करना है और मशीन को चलाकर अच्छा सा आपको झाग, अच्छा सा फॉर्म यहाँ पे बना लेना है। और मेरा जो ब्लैंकेट है वो गंदा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने उसको वॉश किया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ किया है। लेकिन अगर आपका ब्लैंकेट ज़्यादा गंदा है तो आप अच्छी तरीके से थोड़ा ज़्यादा करके डिटर्जेंट डालें। उसके बाद ब्लैंकेट की जो चौड़ाई वाली साइड होती है उसको सारा मिला करके आपको हाफ जो ब्लैंकेट है, लंबाई वाला जो पोर्शन है नीचे आधा गिरा रहेगा और आधा पोर्शन आप इसके अंदर डाल दीजिए। ब्लैंकेट जब मशीन के अंदर मूव करेगा उसके मोशन के साथ, वॉशिंग मशीन के मोशन के साथ, तो धीरे धीरे करके आपका सारा ब्लैंकेट जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर खींच जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे कहीं अटकाना है, आप पूरा टाइम हाथ से पकड़ के तो इसको नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए ये जो ड्रायर का पोर्शन है, मैं इसके अंदर जो हाफ पोर्शन है उसको इसके अंदर भर दूंगी, ये यहाँ पर अच्छी तरीके से अटक जाता है। तो जब भी जो मशीन है आपकी मोशन में होगी तो वो फिर इसको अंदर खींच नहीं पाएगी ब्लैंकेट को, और आप आराम से इसको इस तरीके से छोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी इसी तरीके से ब्लैंकेट वॉश किया था, तो हाफ पोर्शन जो है वो आपका धुल रहा है, पानी का लेवल जो थोड़ा है वो अभी और बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आपका आधा आधा ब्लैंकेट करके धुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ज़रूरी बात कि जो वॉशिंग मशीन का जो ये मोशन राउंड राउंड घूम रहा है ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अड़चन आ रही है या इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा लोड कर दिया है तो ये ठीक से नहीं घूम रहा है। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपकी वॉशिंग मशीन इसका लोड नहीं ले पाएगी।
यहाँ पे वॉशिंग मशीन बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है, उसका मोशन एकदम स्मूथ चल रहा है, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आ रही है। उसको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें ज़्यादा लोड है। अगर आप कम कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन लोगे तो ये इतना स्मूथली रन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने बोला कि 7.8 लीटर या उससे ऊपर की जो मशीन होगी उसके अंदर ही आप ये ब्लैंकेट वॉश कर सकते हो। तो मैं इसको सिर्फ 15 मिनट रन करूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट मेरा गंदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और पहले जब मैंने इसको किया था उस टाइम मेरा ब्लैंकेट काफ़ी गंदा था, तो मैंने इसको 30 मिनट ईच साइड दिया था, सोक भी किया था मैंने 10 मिनट के लिए, उसके बाद 30 मिनट रन कर दिया था। और ये ब्लैंकेट वगैरह के कपड़े ऐसे होते हैं ना कि ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, अगर आप इनको सोक भी नहीं करेंगे 30 मिनट्स के लिए चला देंगे तो भी ये क्लीन हो जाते हैं और इनका पानी भी बहुत आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें, आप आसानी से अपने 400-500 रुपये बचा सकते हैं, बस आपकी मशीन की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो आप ये ब्लैंकेट जो है घर में आसानी से वॉश कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। तो ब्लैंकेट जो है वो एक साइड से मैंने उसको 15 मिनट दिया था, वो हो चुका है। अब हमें जो ड्राई साइड है सबसे पहले उसको नीचे हैंग कर देना है, और जो साइड हमारी हो चुकी है, धुल चुकी है, उसको हम धीरे 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 उठाएंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हैवी हो जाता है ब्लैंकेट, तो इसीलिए आप जैसे ही थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर उठाएंगे उसका पानी नीचे चला जाता है। ये कपड़ा होता ही ऐसा है कि आप थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो पानी नीचे जाने लगता है और ब्लैंकेट हल्का हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आपको ब्लैंकेट उठा के जो साइड आपकी धुल चुकी है उसको आपको अब ड्रायर में डाल देना है, और जो साइड अभी नहीं धुली है वो नीचे से उठा के आपको फिर से वॉशर में डाल देना है। अब हम थोड़ा सा पानी और बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए पानी कम हो गया है, तो पानी हम फिर से मैक्सिमम लेवल पे ले आएंगे, साथ ही इसके अंदर डिटर्जेंट भी और ऐड करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट कम हो जाता है। और अगर आप सोक करना चाहते हैं तो आप पानी और डिटर्जेंट बढ़ा करके हल्का सा उसको एक बार चला दीजिए 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको 10 मिनट, 20 मिनट, या ज़्यादा गंदा है तो आप और भी देर इसको सोक करके रख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको फिर से आप इसमें टाइमर लगा के सेट कर दीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से जो है ये मेरा ब्लैंकेट यहाँ पे वॉश हो गया है, बिकॉज़ कैपेसिटी अच्छी थी मेरी मशीन की, और बिल्कुल भी जो अड़चन कहते हैं ना मोशन में, वो नहीं आनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपनी मशीन को भी समझते हो और आप अपने ब्लैंकेट को भी समझते हो, तो उन दोनों चीज़ों को देख के आपको ये डिसीजन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों साइड 15-15 मिनट मैंने दे दिया है, उसके बाद सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब हमारी वॉशिंग मशीन का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अब हमें वॉशिंग मशीन को चलाना नहीं है, बस हम उसको एक बाल्टी की तरह या एक टब की तरह यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 15 मिनट के लिए इसको ड्रेन पे डाल के छोड़ दिया था, तो ब्लैंकेट का सारा पानी अपने आप निकल जाता है, और ब्लैंकेट आपने देखा कितना हल्का हो गया, उसका सारा पानी अपने आप चला जाता है, आपको हाथों से निचोड़ने की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आपका ब्लैंकेट वॉश होकर निकलता है। तो जब आपका सारा पानी ड्रेन हो जाए 15-20 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए ड्रेन पर डाल के, उसके बाद फिर से हमें इसमें पानी फिल करना है, और अब हमें मशीन बिल्कुल नहीं चलानी है कि हमने पूरा ब्लैंकेट मशीन के अंदर डाल दिया है। तो हम मशीन का कोई काम नहीं है, मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ये जो बकेट है, ये जो वॉशर है, इसको एज अ टब, एज अ बाल्टी हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम ब्लैंकेट को खंगालने वाले हैं। आप बोलेंगे कैसे खंगालेंगे इतना मोटा और भारी ब्लैंकेट? बहुत ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे कोई कॉटन का कपड़ा नहीं वॉश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट के कपड़े होते हैं ये बहुत ही जल्दी पानी को अपने अंदर से अपने आप ही छोड़ देते हैं, आपको इसको 3-4 बार भी नहीं खंगालना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से अपने आप ही सारा पानी अपने अंदर से हटाता जाता है, ये कपड़ा ही ऐसा होता है। तो हमें फिर से इसको फिल करना है, और अब आप इसको ऊपर तक भी फिल कर सकते हो, क्योंकि अब हमें जब मशीन चलानी नहीं है तो मैक्सिमम और मिनिमम पानी की लिमिट का कुछ नहीं करना है हमको, बस इसको पूरा ऊपर तक भर लीजिए, और उसके बाद इस तरीके से हाथ से सिर्फ 2 या 3 मिनट इसको आप करेंगे, जिस तरीके से हम लोग हाथ से कपड़े खंगालते हैं उस मोशन में इसको खंगालना है, 2-3 मिनट करिए, इसके अंदर का सारा जो सर्फ है, सारा डिटर्जेंट है, वो पानी में आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमें इसको ड्रेन पर डाल करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ऐसा नहीं है कि आपको इसको 10 मिनट 15 मिनट खंगालना है, नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट आप खंगालिए। अब इसको मैंने ड्रेन पे डाल दिया है, 15-20 मिनट बाद ये ब्लैंकेट बिल्कुल लाइट हो जाएगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा, और जैसे इसका पानी निकल जाए आपको फिर से पानी चलाना है और दूसरी बार खंगालने की तैयारी करनी है।
खंगालने का जो प्रोसेस है वो मैंने 2 बार किया था, क्योंकि मैंने बहुत कम डिटर्जेंट डाला था, मेरा ब्लैंकेट उतना गंदा नहीं था, तो फर्स्ट बार में उसमें से मैक्सिमम डिटर्जेंट था वो निकल गया था, और सेकंड बार में एकदम क्लीन पानी आ गया था। तो अगर आपका ब्लैंकेट ज़्यादा गंदा है तो शायद तीसरी बार में एकदम क्लीन पानी आ जाएगा, तब तक आप इसको खंगाल लीजिए। बार बार आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है, आपको फुल टब को भरना है, उसको इस तरीके से 1-2 मिनट खंगालना है, और उसके बाद फिर उसका पानी ड्रेन कर देना है। 10-15 मिनट तक ड्रेन आपको ऑन करके रखना है ताकि सारा पानी निकल जाए। उसके बाद जब आपका ब्लैंकेट लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, तो फिर उसमें पानी फिल करना है, और फिर उसको इस तरीके से 2-3 मिनट खंगालना है। तो यह आप प्रोसेस 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक क्लियर पानी नहीं आ जाता तब तक आपको रिपीट करना है। और जब आपको लगे कि बस ब्लैंकेट एकदम साफ हो गया है, डिटर्जेंट सारा निकल गया है, तो आप ड्रेन करके छोड़ दीजिए ब्लैंकेट को कम से कम 40 मिनट्स के लिए, इसी टब में छोड़ दीजिए। 40 मिनट के बाद आपका ब्लैंकेट देखिए एकदम साफ सुथरा होके निकल जाता है और बिल्कुल लाइट हो जाता है। मैं इसको बिना किसी एफर्ट के, बिना ज़्यादा मेहनत के, मैंने इसको वॉशर से निकाल लिया। इसका सारा पानी अपने आप ड्रेन होके निकल गया है। अब मुझे इसको किसी ऐसी जगह पे, किसी चेयर पे प्लास्टिक की रख दीजिए, या जो रेलिंग्स होती हैं उस पे आप रख दीजिए, ताकि इसमें जो बचा कुचा पानी है ना वो सारा निकल जाए। जब वो पानी अच्छे से निकल जाएगा तब आपको इसको धूप में सुखा करके और अपने ट्रंक में, अपने बेड बॉक्स में रख दीजिए, और ये एकदम परफेक्टली क्लीन होता है, बिल्कुल साफ सुथरा। बहुत आसानी से अपने आप 500-600 रुपये बचा सकते हैं, और सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, आप जब मन करे इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा विंटर वेट करना पड़ता है कि विंटर ख़त्म हो तब हम ड्राई क्लीन में थे, तो वो बात इसमें नहीं है। अगर धूप खिली खिली है, अच्छी है धूप, तो आप जब चाहें अपने ब्लैंकेट को वॉश कर दीजिए, और बस बहुत आसानी से ये वॉश होके एकदम क्लीन होके रेडी हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।